उफ, अकेले राइड करना कितना बोरिंग है। रुको, यह क्या है, कैंडी टाउन? अब सब कुछ बदल जाएगा। मैंने हमेशा वहाँ रहने का सपना देखा है। आ, मैं कहाँ हूँ? ओ टीना, क्या तुम्हें किटकैट चाहिए? हाँ क्यों नहीं, ऐसी चीज को कौन मना करेगा। जरा देखो तो यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि हम पेड़ पौधों की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। ओ मेरी पोती, मैं तुम्हारे लिए सेब लाई हूँ, इसे खाओ, ये बहुत ही स्वादिष्ट और जूसी है। अरे वाह, ऐसा लगता है कि हम प्रोफेशनल खाने की दुनिया में है। यह किसी भी महंगे रेस्टोरेंट से ज्यादा कूल है। और वे तुम्हें मुफ्त में खिलाएंगे। टीना, इसे जल्दी खाकर बताओ। धन्यवाद। ओह, क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं? बचाओ! और आप मल्टीडू चैलेंज के लिए जा रहे हैं, और चिंता मत करो, यह बहुत मजेदार और स्वादिष्ट होगा। वाह, यह तो बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ वो तो है। तो मैं जल्दी से चुनौती शुरू करने का प्रस्ताव रखती हूँ। चलो पाई से शुरू करते हैं। उफ, बात सिर्फ इतनी है कि मुझे इसे पकाना नहीं आता। आसानी से, मैंने अपने कैरियर में अलग अलग तरह के बहुत सारे पाई बनाया है, इसलिए इसकी रेसिपी मेरे खून में है। सबसे पहले मुझे डो बनाने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए हमें आटा, दूध और जाहिर है अंडे चाहिए। मैं उन्हें एक असली मास्टर की तरह तोड़ दूंगा। मुझे यकीन है आप में से कोई नहीं जानता कि चाकू के ब्लेड से अंडे को कैसे तोड़ा जाता है, और एक झटका, यह बहुत अच्छा है। अब तैयार मिश्रण को मिक्सर से हिलाया जा सकता है। मिक्सर में कोई गांठ नहीं होना चाहिए। मेरा डो लगभग तैयार है, अब इसे केवल अच्छे से रोल करना है। लेकिन जितना मैंने सोचा था यह उससे कहीं अधिक कठिन है। ये लगातार बेलन से चिपक जा रहा है। वैसे इसे ठीक करने का एक अद्भुत तरीका है। हमें बस आटे के दोनों तरफ बेकिंग शीट लगाने की जरूरत है। हाँ, इस तरह से तैयार। इस तरह मेरे पास आटे के दो टुकड़े हैं। हाँ, अच्छा दिख रहा है। यह तो बहुत मुश्किल लग रहा है, तो क्यों नहीं ब्रेड ले ले? मुझे लगता है यह बहुत आसान होगा। तो यह मेरे भविष्य के पाई का फिलिंग तैयार करने का समय है। इसके लिए मुझे सेब और बेरीज चाहिए। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा, और यह बहुत हेल्दी भी है। ओह, बोरिंग चीजें, न्यूटेला की बात ही अलग है। उन्हें केवल ब्रेड के प्रत्येक टुकड़े पर अच्छी तरह से फैलाना चाहिए, और मुझे लगता है टीना को यह जरूर पसंद आएगा। यह बहुत मजेदार है, इसे तो मैं भी मजे से खा सकती हूँ। और मुझे अपने केक के लिए एक सुंदर ऊपरी परत बनाने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए मुझे स्पेशल मोल्ड चाहिए। हाँ, यह सही रहेगा। मैं इस पर एक दिल का चित्र बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह बहुत अच्छा दिख रहा है। बस इसे पाई को ढकना है। ये कलिनरी मास्टरपीस को बेक करने का समय है। ऐसा करने के लिए मुझे बस मेरे केक को ओवन में रखना होगा। मेरे पास और भी आइडियाज हैं। मैं न्यूटेला तक ही सीमित नहीं रहूंगी, रेनबो गमी कैंडी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा पाई तैयार है। यह किस प्रकार का पाई है? लड़कियों, मेरे शानदार काम के सामने तुम्हारे सारे पाई फीके पड़ जाएंगे। शुरू करने के लिए इस फ्यूचर डो को तीन भागों में बांटने की जरूरत है, और उनमें से प्रत्येक को थोड़ा रंगीन होना है। अलग अलग रंग ज्यादा दिलचस्प होंगे। मैं इन सबको अच्छे से मिला देता हूँ। और अब हमें डो को एक कंटेनर में डालकर माइक्रोवेव में डालने की जरूरत है। हाँ, इस तरह से। सारी डो को ऐसे ही तैयार कर ले। ये बहुत खूबसूरत है। बस अब इन सबको सफेद क्रीम की मदद से एक साथ चिपका दूंगा।
या किसी भी केक या पाई के लिए एकदम सही फीलिंग है। पर इस बार क्रीम मेरे केक पर दिखाई देगी, बाहरी नहीं भीतर भी। जितना ज्यादा क्रीम लगाऊंगा स्वाद उतना बढ़िया आएगा। मेरा लगभग हो गया। और केवल इतना ही नहीं है, अब रंगीन चॉकलेट बार का इस्तेमाल किया जाएगा। वे मेरे पहले से ही चमकीले केक को और भी सुंदर बना देंगे। चॉकलेट को भी रंग के अनुसार बांटने की जरूरत है। एकदम सही। और अब इस चॉकलेट को पिघलाने का समय आ गया है। मैं ये टॉर्च के साथ करूंगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये बहुत आसान भी है। ये बर्नर एकदम सही है। अब लिक्विड चॉकलेट के लिए सांचे के रूप में मैं पॉपिट का इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास सभी सही रंग है। जब चॉकलेट हार्ड हो जाए तो मैं इसे पॉपिट से निकाल लूंगा और अपने पाई को तैयार टुकड़ों से सजाऊंगा। देखो यह कितना प्यारा निकला। इतना बड़ा और ओरिजिनल केक एक रेस्तरां में बहुत अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है। मैं इस रेसिपी को याद रखूंगा। चलो देखें टीना इसे पसंद करती है या नहीं। तो पहले मेरे पास गमी के साथ ब्रेड है, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन, लेकिन यह मिक्सचर पाई की तरफ बिल्कुल नहीं है। आइए देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। अब इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। यह बिल्कुल अलग मामला है, स्वादिष्ट। और अब यह मेरे जीवन का अब तक का सबसे चमकीला और सबसे सुंदर केक का समय है। यह बहुत रंगीन है और न केवल बाहर बल्कि अंदर भी। चलो बात काफी हो गई, अब इसे खाने का समय आ गया है। यह शानदार है। शेफ जेमी, आपकी जीत पर बधाई, आप जीत रहे हैं। धन्यवाद, मैंने बहुत कोशिश की। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए चाइनीज नूडल्स बनाएं। अपनी पूरी कोशिश करें, इसके बिना मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे नहीं पता कि नूडल्स कैसे बनाना है, मुझे क्या करना चाहिए। जाहिर है मुझे बस दूसरे जैसा कर रहे हैं वैसे दोहराना होगा। नहीं, मुझे निश्चित रूप से इन नूडल्स की जरूरत नहीं है। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं निश्चित रूप से इसे नहीं पकाऊंगी। मेरे पास रेडीमेड नूडल्स है, ये जल्दी से पकता है और यह अवास्तविक रूप से स्वादिष्ट भी है। ध्यान यह रखना है कि सभी सीजनिंग और सॉस डालना है। मामला बस इतना सा है, हमें बस नूडल्स के ऊपर उबलता पानी डालना है और ऊपर से किसी चीज से ढक देना है। मैं अपने हाथ से ढक देती हूँ। ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? नहीं, मेरा हाथ, कितनी जलन हो रही है, मदद करो। मुझे न केवल अपने हाथ के साथ समस्या है बल्कि दादी के साथ भी संभावित समस्या आ रही है। शायद मैं सावधानी से उनके बालों से नूडल्स हटा लूं। चलो काम हो गया और यह स्वादिष्ट लगभग तैयार है। मुझे उम्मीद है कि टीना को यह पसंद आएगा। और साधारण स्ट्रॉस का इस्तेमाल स्टिक के रूप में किया जाएगा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं अपनी पोती को किसी अलग डिश से सरप्राइज नहीं करूँगी। मैं सॉसेज के साथ सामान्य नूडल्स बनाऊंगी, केवल एक अलग रेसिपी के अनुसार। सब कुछ एक नियमित प्लास्टिक बैग में मिलाया जाना चाहिए। पहले मैं नूडल्स को काट लेती हूँ। यह एकदम सही दिख रहा है। और अब इसमें थोड़ा नमक और काली मिर्च मिलाना है और गाजर और थोड़ा तेल। डिश को स्वादिष्ट बना देंगे। और अब इस बैग को उबलते पानी में डालने की जरूरत है और यह बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है यह तैयार हो गया है। बस इस डिश को एक प्लेट में रखने का समय आ गया है। थोड़ा ग्रीन चिली इसमें डाल देती हूँ।
एकदम घर का बना हुआ नूडल्स, एकदम सही। मुझे लगता है मेरी पोती इसे पसंद करेगी। आह, यह कुछ भी नहीं है। एक असली शेफ पहले नूडल्स उबालेगा और फिर मीट पर काम करेगा। जब तक नूडल्स पक रहा है, मैं मीट काटूंगा छोटे टुकड़ों में। यह तुम्हारे लिए है। बस हो गया। अब केवल इस मीट को फ्राइंग पैन में डालना बचा है। इसे तलना है। और अब आगे टमाटर है। अब आप देखेंगे कि कैसे रिकॉर्ड तोड़ता हूँ। मैं एक सेकंड से भी कम समय में इतनी सब्जियां काट सकता हूँ। मुझे लगता है यह तैयार है। और अब मैं इसे पका रहा हूँ। कुकिंग का मेरा फेवरेट काम खाने में सॉस का मिलाया जाना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सब कुछ अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। आगे हम नूडल्स को पैन में डाल सकते हैं। मैं अभी से ही एक और मास्टरपीस को अपने हाथों में महसूस कर सकता हूँ। बहुत अच्छा दिख रहा है। सब कुछ लगभग तैयार है। अब केवल इसे और अधिक ओरिजिनल दिखने के लिए नूडल्स को मीट के साथ कार्डबोर्ड बॉक्स में डाला जाना ही बचा है। ये ऐसा है जैसे मैंने वास्तव में एशिया में ये नूडल्स खरीदा हो। बहुत अच्छा है। चलो देखिए उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है। अरे वाह, कितने नूडल्स हैं। मुझे जानना है कि पहले वाले का स्वाद कैसा है। ओह, ये कहाँ से आया? छी, इसमें इतने सारे बाल कहाँ से आ गए? नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी। बल्कि मेरी दादी ने मेरे लिए जो तैयार किया है, मैं उसे खाना ज्यादा पसंद करूंगी। पर उनके खाना को मैं स्टिक से कैसे खाऊं? मुझे पता नहीं। पर क्यों? अगर हम अपने हाथों से खा सकते हैं, तो उसकी क्या जरूरत है? यह बहुत सुविधाजनक है। स्वादिष्ट। लेकिन सबसे सुंदर से सर्व हमेशा की तरह शेफ ने किया है। आइए देखें कि उसने मेरे लिए किस तरह का नूडल्स बनाया है। और यह मैं खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने इसे कहीं बेहतर देखा है। मैं समझ नहीं पा रही कि आज कौन जीतेगा। शायद दादी, उन्होंने पूरी कोशिश की है। हुर्रे! धन्यवाद मेरे बच्चे। तीसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वॉफल बनाएं। मुझे विश्वास है आप इसे संभाल सकते हैं। वाह! और मैं क्या करूँगी? तुम यहाँ अकेली नहीं है जो नहीं जानती कि क्या करना है। लेकिन मुझे पता है और मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। देखो मेरे पास कितना अच्छा शेकर है। इसमें आटा, अंडे और चीनी डालने हैं। हाँ, लेकिन केवल इतना ही नहीं है, दूध के बारे में बिल्कुल नहीं भूलना है और ऑलिव ऑयल। इन सभी सामग्रियों को डालने के बाद शेकर को अच्छी तरह से हिलाया जा सकता है। देखो मैं इसे कितनी कुशलता से करता हूँ। अरे वाह, यह सच है। यह लगभग तैयार है। मुझे लगता है कि मेरे भविष्य के वॉफल के लिए मिशन लगभग तैयार है। जरा इसे देखो, यह एकदम सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसे वॉफल मेकर में डालने का समय आ गया है। तैयार, अब सिर्फ इंतजार करना बाकी रह गया है। मैं भी वॉफल बनाती हूँ। शायद मुझे भी यह पता है कि चीजों को अपने हाथों में चतुराई से कैसे मोड़ना है। अरे नहीं दादी, यह आपने क्यों किया? ओह माफ करना बेटा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ वॉफल बना रही थी। ओह हाँ, वॉफल। ठीक है, अच्छा है मेरे पास हमेशा एक तौलिया होता है। साफ करने के लिए कुछ है। और मैं शायद वॉफल को कुछ अलग सा बनाऊंगी। डो के बजाय मैं गामी वेयर का उपयोग करूंगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे कितना अच्छा वॉफल मिलेगा? ताड़ा! गामी वॉफल तैयार है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, गमी कीड़े मुंह होंगे, केवल आंखें रह गई हैं। रेसिपी वास्तव में अनोखा है, लेकिन मुझे क्लासिक पसंद है। ऐसा करने के लिए डो को एक सांचे में डालें और ओवन में रख दें।
और यह बहुत जल्दी पक भी जाता है और यह तुम्हारी इन छोटी छोटी चीजें जो तुम बनाते हो उससे कहीं अधिक स्वादिष्ट होगा। सभी कुछ तैयार है। वाफल को सांचे से निकालने और टुकड़ों में काटने का समय आ गया है, मतलब छोटे गोल आकार में। इसके लिए मेरे पास यह कैची है। हाँ, ऐसे गोल आकार में काट लिया और उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखने की जरूरत है ताकि मेरे भविष्य की डिश अच्छी दिखे, और उन्हें सजाने और स्वादिष्ट बनाने की भी जरूरत है। इसके लिए मैं शहद और पाउडर चीनी और बेशक बेरीज का उपयोग करूंगी। खूब सारा शहद और यह पाउडर चीनी और यह स्ट्रॉबेरी ऊपर से। देखो यह कितना सुंदर लग रहा है। नहीं, यह बहुत आसान दिख रहा है। यहाँ मेरे द्वारा तैयार किया गया वफल है। बिल्कुल सही, वफल को एक विशेष सांचे में रखना है जिसके बाद हम इसे आइसक्रीम के नीले स्कूप से भर देते हैं और सब कुछ के ऊपर हम स्ट्रॉबेरी सिरप डाल सकते हैं। यह उतना ही स्वादिष्ट होगा। और आइसक्रीम को मीठे तारों से क्यों नहीं सजाते? सुंदर और स्वादिष्ट दोनों। यह वास्तव में एक रेस्टोरेंट डेजर्ट की तरह दिख रहा है। देखते हैं टीना क्या कहती है। वाह, मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। शायद सबसे पहले मैं दादी के वफल ट्राई करूँगी। वे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। चलो अब मैं गमी वफल को ट्राई करने जा रही हूँ। मैं मानती हूँ यह आइडिया मुझे शानदार लग रहा है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। और चलो देखते हैं कि शेफ ने क्या बनाया है। उफ, यह अच्छा नहीं है। आइसक्रीम यहाँ टिक ही नहीं रहा है। मैं इसको चख भी नहीं पा रही। तो यह पता चला कि इस बार गमी वफल जीत गया। अरे ये मेरा है। हुर्रे, आखिरकार मैंने सबको हरा दिया। मल्टीडो चैलेंज को सब्सक्राइब करें, फिर आप निश्चित रूप से ऐसे ही रोमांचक और मजेदार वीडियो मिस नहीं करेंगे। यह आगे और भी अधिक मजेदार होगा।